तो हम आलिया से शुरू करते हैं, आलिया के समान. अच्छा मैं पुराने से शुरू करूं, बिल्कुल बैक चली जाऊं? ये आपके ऊपर, आपकी मर्जी, आपकी चीजें, आपकी कहानी. अच्छा सबसे पहले तो मैं इसको दिखाती हूँ. अच्छा चीजें आपको मामूली जरूर लगेंगी लेकिन हाँ, वो इतनी इम्पोर्टेंट है. देखिए चीजें शायद दूसरों के लिए मामूली होंगी, हाँ, मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैंने ये अब तक रखी हुई है. मेरी एक फुप्पो थी जो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, पप्पी हम उनको कहते थे, हसन फातिमा उनका नाम था. अच्छा वो तोहफे तहाइफ वाली खातून नहीं थी लेकिन वो उन जैसा पॉजिटिव इंसान मैंने अपनी पूरी लाइफ में, जब हम बच्चे थे हमने कदर नहीं की, हम चिढ़ते थे अल्लाह भी कहेंगी किताबें खोल के बैठ जाओ. हम छुट्टियों में गर्मियों के उनके पास आजाद कश्मीर यहाँ वहाँ जाते थे और उन्होंने टाइम फिक्स किया हुआ था होमवर्क कराने का. अच्छा इस्लामाबाद से फोन करती थी कराची में एक एक घर में कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फलाने उसके एडमिशन ओपन हो गए हैं, तो अपनी काम वालियों को पढ़ा दिया, उनके बच्चों को पढ़ा दिया. अच्छा, मतलब वो इस तरह की थी. हाँ, हाँ, हाँ. वो जब गई कभी अपने हस्बैंड के साथ नारान कागान बच्चों के साथ मरी वरी, तो वो किसी के लिए, और मैं उनकी कोई बहुत चहीती नहीं थी क्योंकि मैं उनका कहने ही नहीं मानती थी. हाँ. वो दोपहर में सुलवाती थी या मैं छत टाप टाप के घूम रही हूँ, कैरियां जमा कर रही हूँ. मगर कुछ मेरे में शायद उनकी झलक थी, मैं तालीम के लिए सबको बोलना, खुद भी पढ़ना और ये उस तरह की. ये मेरी लाइन थी, वो कहीं सवाद शवाद कहीं. और बाद में जब वो ले आई तो उन्होंने रियलाइज किया कि मैं एक के लिए क्यों लेकर आई. वो ड्राई फ्रूट्स लाई नहीं थी, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स उसके पैकेट्स बना के सबको दे दिए, सबके रूम्स में पहुंचवा दिए, सब अलग अलग, जैसे मेरे भाई बहनों के अलग पैकेट. अच्छा ये एक तोहफा उनका सबका था. अलग से एक निकाल के मैं कहती हूँ बेटा ये मैं तुम्हारे लिए ला रही हूँ. तो मैं इतनी, मेरी आंखों में सचमुच आंसू आ गए. उस वक्त मैं खाली मैट्रिक में होंगी या नहीं, और मैंने कुछ भी. अच्छा निपटने झपटने का भी रिवाज उस जमाने में नहीं होता था. और मेरे ददियाल में तो वैसे ही कम है, ननियाल में तो बहुत हर बात पे थैंक यू सो मच, पप्पी जप्पी हैप्पी न्यू ईयर ईद मुबारक, मामू लिपटा रहे हैं प्यार कर रहे हैं. लेकिन मेरे ददियाल वाले थोड़ा ऐसे ही, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है ना. एक्सप्रेसिव है, हमारे खानदान में कहते हैं फपड़े लगाना. फपड़े नहीं लगाना. लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, आप जब थोड़ा टाइम अपनी एज आती है ना तो आप रियलाइज करते हैं. अब मुझे अब क्या आपसे कई साल पहले समझ आ गया था कि ददियाल वाले ज्यादा प्यार कर वाले. हाँ. जो आपकी बेसिक्स का ख्याल रखें, यानी बेसिक्स क्या है, आपकी तालीम, आपकी आउटलुक, आपका मैनरिज्म, आपका बैठना उठना, स्पीच मुझे फुप्पा ने सिखाई, तकरीर करना, बात करना. नाराज हो जाइए, ऑनियन बोल रही है सब. हाँ हाँ कोई बात नहीं. लेकिन प्यार ऑनेस्टली मेरी ननियाल ने दिया. हाँ. जो बचपन में देना चाहिए था, पता है, ये गले लगाना प्यार करना. मुझे याद है जब हम छोटे थे, सादिया बिल्कुल छोटी सी थी, बच्ची घूमती थी, तब हम नानी के घर छुट्टियों में आए तो मेरे मामू और वो लोग इस कदर गोद में लादे लादे घूमते थे सादिया को. और जाने के बाद तस्वीरें हैं मामू की कि सादिया के जूते को चूम रहे हैं बैठे हुए. वो ऐसे वाले थे, बिल्कुल इजहार से लबालब. और यहाँ इजहार का नाम निशान नहीं, तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है. से मिल गया ना. एग्जैक्टली बहुत मायने रखता है ये. और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, सादिया जो कुछ है, जो मैं हूँ, जो मेरे भाई बहन है, वो सब मेरे ददियाल ने बनाए. उनकी डांट ने, उनके प्यार ने, उस तरह की स्ट्रिक्टनेस ने. ये इसकी कहानी थी. जबरदस्त.